वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं गोभी के टेस्टी पराठे दो तरीकों से। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो, दैट्स विल रियली मोटिवेट मी। सो सबसे पहले हम अपने गोभी को अच्छे से पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐड करा है 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। इसको हम गर्म होने देंगे पैन में, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। मैंने यहाँ पे कलौंजी ऐड करी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पराठों पे। तो इसको अच्छे से हम थोड़ा सा पॉप अप होने देंगे ऑयल में, इस तरीके से। तो देखिए हो चुका है। सो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चॉप ऑनियन। मैंने यहाँ पे एक ऑनियन लिया जिसको फाइनली चॉप कर दिया है इस तरीके से, और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्रश्ड जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़। मैंने यहाँ पे 1 इंच जिंजर लिया है, 5 to 6 यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक, और 7 to 8 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। उनको अच्छे से क्रश कर लिया है। अगर आप चाहें, आपको नहीं पसंद है तो आप गार्लिक को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और लो फ्लेम पे हमने ऑनियन का हल्का ट्रांसलूजेंट कलर होने तक हमने इसको पकाना है। क्रंची ही रहने देने ऑनियन को, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। हमें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून रोस्टेड क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड्स का पाउडर। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और लो फ्लेम पे 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे ताकि जो कच्चापन है मसालों का वो रिमूव हो जाए इस तरीके से। सो ये देखिए ये हो चुके हैं। सो मैं यहाँ पे अब ऐड कर दूँगी ग्रेटेड कॉलीफ्लावर। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 ग्राम कॉलीफ्लावर लिया, उसको अच्छे से हमने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की हेल्प से। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हींग 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिएगा, मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट यूज़ करा है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी इंग्रेडिएंट्स को। सॉल्ट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालिएगा क्योंकि हमने वैसे भी ये फिलिंग करनी है आटे के अंदर, तो थोड़ा सा सॉल्ट उसमें होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे लो फ्लेम पर, और फिर हमने इसकी सीजनिंग भी चेक कर लेनी है। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे इन्ग्रीडियंट्स को, और यहाँ पर हम सीजनिंग भी चेक कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको लो फ्लेम पे इस तरीके से, और अब हमने इसको तब तक पका लेना है लो फ्लेम पे जब तक कि थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ड्राई होने तक। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब हमने इसको कूल होने देना अच्छे से, तब तक हम प्रिपरेशन कर लेते हैं डो की। तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना ही लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अजवाइन सीड्स, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। बस इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे में इस तरीके से, और अब हमने इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे, पानी हम आप एक साथ ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करके एक सॉफ़्ट डो तैयार कर लेंगे पराठों के लिए। पराठों के लिए डो हमेशा थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए क्योंकि वो रोल करने में थोड़ा ईजी रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से नीट कर लेना है हमारे फ्लाक को, पूरे डो को अच्छे से नीट करेंगे इस तरीके से। और ये देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा सॉफ्ट डो। हम इसमें थोड़ा सा जो है ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि ड्राई ना हो इस तरीके से। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट बनके ये तैयार हुआ है। तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं पराठों की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का बॉल ले लिया है डो का, ये देखिए। और फिर हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा फ्लावर डस्ट, अच्छे से इसको फ्लैटन करेंगे पहले हैंड्स की हेल्प से इस तरीके से, क्योंकि हमने अभी इसमें फिलिंग करनी है। तो साइड से भी अच्छे से फ्लैटन कर देंगे, थोड़ा थिन कर देंगे। और अब देखिए मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ स्टफिंग। तो यहाँ पे आप मैंने 1.5 टीस्पून जितने रिक्वायरमेंट हो उतना ही फिल कीजिएगा, बहुत ओवर हम इसको फिलिंग ना करें। और फिर इस तरीके से हमने इसको क्लोज़ कर देना है। ये देखिए बहुत ही ईजी है इसको क्लोज़ करना, इस तरीके से हम क्लोज़ करेंगे। फिर इसको हम टर्न एंड ट्विस्ट करके अच्छे से राउंड राउंड करके टर्न एंड ट्विस्ट करके जो एक्सेस आटा है वो इसमें से हम निकाल देंगे इस तरीके से। इसको हल्का सा फ्लैट करेंगे हाथों से, फिर हमने इसमें फ्लावर डस्ट यूज़ करना है, और हाथों की हेल्प से इस तरीके से उसको पहले फ्लैटन कर देंगे
हैंड की हेल्प से, और उसके बाद हमने रोलर की हेल्प से इसको रोल कर लेना है। तो रोल करते समय हमने इसको जेंटली ही रोल करना है आराम से, और फिलिंग स्टफिंग का आपने ध्यान रखना है कि स्टफिंग हमारी एकदम ठंडी होनी चाहिए जब हम इसको स्टफ़ करें, गर्म स्टफिंग आप नहीं लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने रोल कर लिया है और ये हमारा जो है पराठा बन के तैयार हो गया है इस तरीके का। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके का बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने मीडियम डो लिया है, इसको हम सेम वे से फ्लैटन कर देंगे और फिर हमने रोलर की हेल्प से इसको रोल करके एक बड़ी सी चपाती हमने इसको बना लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बड़ी सी चपाती हमने इसको बना लेना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब हमने नाइफ़ लेना है और नाइफ़ की हेल्प से ये डाउन पोर्शन पे स्लिट लगा देना है इस तरीके से, और फिर हमने इसको डिवाइड कर देना है, कट नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है फोर इक्वल पोर्शंस में, और यहाँ पे हर एक पोर्शन पे ये देखिए इस तरीके से फिलिंग करनी है, और एक पोर्शन पर आप थोड़ा सा बटर घी या फिर ऑयल से स्प्रेड कर सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा ड्राई आटा अनदर साइड में भी, और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है और एजेस को बिल्कुल क्लोज कर देना है, ऐसे प्रेस करके एजेस को क्लोज करते रहना है साथ में। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर देना है। ये देखिए तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर डस्ट यूज़ करेंगे दोनों साइड्स में, और अब रोलर की हेल्प से इसको हमने रोल कर लेना है जेंटली। तो ये देखिए ये भी एक ईजीएस्ट वे है पराठा बनाने का, गोभी पराठा। इसमें चाहे तो आप गोभी के साथ और भी कोई स्टफिंग कर सकते हैं, तो मिक्स पराठा आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए सर राउंड वाला पराठा हमारा बनके तैयार है, और ये हमारा ट्रायंगल वाला पराठा भी, इसको भी हम अच्छे से कुक करेंगे दोनों साइड से, अच्छे ऑयल अप्लाई करेंगे और गोल्डन होने तक हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है लो फ्लेम पे। लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने अपने पराठों को पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाएंगे या तेज़ फ्लेम पे तो वो जल जाते हैं, टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से लो फ्लेम पे हमने इनको पेशेंस के साथ अच्छे से कुक करना है। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है हमारा पराठा, ये देखिए। सो इसी तरीके से हमने हमारे सारे पराठे जो है तैयार कर लेने हैं, आप जिस भी शेप का बनाना चाहें आप बना सकते हैं, मैंने सारे ऑलमोस्ट राउंड शेप के ही पराठे बनाए थे। तो ये देखिए ये हमारे गर्मा गर्म पराठे जो है बनके तैयार हो गए हैं, जिसको मैंने सर्व करा बटर के साथ, दही के साथ और थोड़ी सी ग्रीन चटनी के साथ। तो ये देखिए ये गर्मा गर्म आलू के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू मेक इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू सून विद अनदर रेसिपी, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो, दैट विल रियली मोटिवेट मी। थैंक यू वंस अगेन।